नमस्कार, स्वागत छे आप सभी को जय भारत टीवी मा। मी छू योगेश थसमाना और आप देखना छन अपनी बोली भाषा मा अपना समाचार यानी कि उत्तराखंड रेवा। सबसे पहले अपना सभी उत्तराखंड वासियों थे की राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामना। तो आज उत्तराखंड रेबार मा खास होलू मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की योजना क्या छिन भराड़ी सैण को विकास खुण। साथ ही आज बात करला हम उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस पर, साथ ही बात करला ऑनलाइन ठगी की। जमा एक युवक थे कि एक पिज्जा मंगान पड़ो भारी और भी कई खबर हुआ ली उत्तराखंड रेबार मा। शुरू करना अपनो खास बुलेटिन उत्तराखंड रेबार। आज राज्य स्थापना दिवस को शुभ मौका छा और ये मौका पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सभी प्रदेशवासियों थे की शुभकामनाएं दिए छा। 21वां स्थापना दिवस का मौका पर पुलिस लाइन में रैतिक परेड में उठे की सलामी भी दिए गया। पुलिस लाइन में विशिष्ट सेवाओं को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त 6 पुलिस अधिकारियों और राष्ट्रपति का जीवन रक्षक पदक से की सम्मानित 2 पुलिस कर्मियों थे की सम्मानित किया गया। ये मौका पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहनी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ला सभी राज्यवासियों थे स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दीनी। साथ ही बोला राज्य का आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चा। मुख्यमंत्री ने सभी शहीदों थे की श्रद्धांजलि भी दिया। ये कपहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक पर पहुंचे नहीं और श्रद्धा सुमन अर्पित की नहीं। भराड़ी सैण में राज्य स्थापना दिवस को जश्न। उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस को जश्न मनाना खुन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे ने भराड़ी सैण। जैका बाद उन्हें 25,000 करोड़ की योजनाओं को ऐलान कराया। शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क और मूलभूत सेवाओं को भराड़ी सैण में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा कराया। यू योजनाओं से की गैरसैण में विकास की तस्वीर अब बदल सकती। विधानसभा के बाद यक सचिवालय भी बढ़ाने की तैयारी सरकार की छाया। भराड़ी सैण में शानदार परेड और जश्न भी मनाया गया जयमा कई मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल छाया। 10 नवंबर खुण मुख्यमंत्री भराड़ी सैण में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की दूधातोली में स्थित समाधि स्थल भी जाला और बाकी कई योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी करला। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना संदेश। उत्तराखंड आज अपनो स्थापना दिवस मनाणो चा। पूरा राज्य में लोग एक दूसरा को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी रचिन। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यवासियों ते की स्थापना दिवस की शुभकामना दी चा। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा उत्तराखंड के निवासियों ते की राज्य स्थापना दिवस की बधाई। प्रगति का पथ पर अग्रसर प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर यू प्रदेश इन्हीं विकास करता रहा। जनाब थे कि पता चा कि देवभूमि उत्तराखंड से की पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को विशेष लगाव चा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया शुभकामना। प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जानु चा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदेशवासियों थे की शुभकामनाएं दी चा। अपना ट्विटर में सीएम योगी ला लिखा कि अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, सम्मोहक जैव विविधता, उत्कृष्ट इतिहास, समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना से की परिपूर्ण रत्न गर्भा देवभूमि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों थे की हार्दिक शुभकामना। जन की आप जड़दा छन की यूपी की कमान संभालने वाला सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्म उत्तराखंड में ही हुई चा। उनकी पढ़े लिखे भी यकी हुई चा। जय का चलता उनको देवभूमि से की विशेष लगाव चा। राज्य स्थापना दिवस पर गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का शुभ मौका पर उत्तराखंड वासियों को दिल्ली के गांधी पार्क अक्षरधाम की तर्ज पर देहरादून का गांधी पार्क में भी म्यूजिकल फाउंटेन बनने को काम पूरे हुएगी। ये को लोकार्पण देहरादून का मेयर सुनील उनियाल गामा करला। यू म्यूजिकल फाउंटेन 1.5 करोड़ की लागत से तैयार हुई चा। ये कदगड़ी योगा पार्क और ग्रीन पार्क को भी काम पूरे हुएगी। शुरुआत में गांधी पार्क में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिए जालू लेकिन कुछ दिन बाद यख शुल्क दीन पड़ो लो। 10,000 को पिज्जा, जी हाँ चौंक गिने आप भी। अगर आप भी पिज्जा को शौकीन छन और ऑनलाइन पेमेंट कर देनी तो ये खबर आप खुण चा। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी का मामला बढ़दा छाना छिन। कई मामला समण आने के बाद अब एक और मामलो समण आणु चा, वो भी पर्यटक नगरी नैनीताल बटी। जी हाँ, नैनीताल का रामनगर को मोहल्ला टेढ़ा रोड बटी यू मामला समणी आयु चा। यखा एक युवक विनय वर्मा ला पिज्जा खुण गूगल में सर्च काया जैका बाद वे थे की एक नंबर मिली। वे मोबाइल कॉल काया जैका बाद ऑनलाइन ठगोला वे थे की 90 रुपये को पिज्जा बताया। जैका बाद उन ठगोला वे थे की 5 रुपये एडवांस ऑनलाइन डल नु खुण बोला। पीड़ित युवक ला ऊ थे की अपड़ू ATM कार्ड का डिटेल दे देनी। जैका बाद कुछ मिनटों में
युवक का अकाउंट बटी 10,000 रुपए निकल गिरी। जेका बाद युवक हैरान परेशान अवस्था में पीड़ित पुलिस में पहुंचू छ और अब ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनु छ। आप भी सचेत हो जावा, कहते भी अपना बैंक डिटेल शेयर बिल्कुल ना करें। तो ये चाहिए आज को उत्तराखंड रह बार। उम्मीद करता कि आप थे कि हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आलू। हमारी कोशिश छ कि आप थे कि आपकी बोली भाषा में हर समाचार उत्तराखंड की आप थे कि पहुंचावा। और भी देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों थे जर्ण खुण आप थे कि हमारो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने वालों, हमारो यूट्यूब चैनल थे कि शेयर करें और लाइक जरूर करें, किले कि आप ही हमारा सपोर्ट छ। तो आज का उत्तराखंड रैबार में इदगई मीथे दिया हुआ इजाजत। नमस्कार।